वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कॉस्मेटिक सर्जरीज चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन नेचुरल रेमेडीज से हमेशा पीछे ही रहती है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 मैजिकल वेज नेचुरल रेमेडीज की, जिससे आप अपने स्किन का बेस्ट वर्जन हासिल कर सकते हो। अगर आपकी स्किन पे डलनेस आ जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो फिर मेकअप हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। डलनेस के मेन रीजन होता है क्लोक पोर्स, जो पोर्स हमारे बंद हो जाते हैं। वो अगर आप रेगुलरली एक्सफोलिएट नहीं करते हो तो आपके पोर्स क्लीन नहीं रहते हैं स्किन के, इसी वजह से डलनेस आती है। अगर आप रेगुलरली एक्सफोलिएट करो स्किन को तो आपके फेस पे कभी भी डलनेस नहीं आती है। जो नेचुरल रेमेडीज होती है उसका दूसरा भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि उसके अंदर केमिकल नहीं होता है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। तो अगर किसी की स्किन सेंसिटिव भी है तो उस पे भी ये रेमेडीज सूट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं 3 नेचुरल वेज टू लाइटन योर स्किन टोन। सबसे पहली जो मेथड है वो है कर्ड, यानी कि दही। दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जो जेंटली हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड साथ ही साथ हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, बहुत ही अच्छा वाला मॉइस्चर देता है। तो पहली मेथड बनाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहला इंग्रेडिएंट है कर्ड यानी कि दही, दूसरा इंग्रेडिएंट है बेसन यानी कि चने की दाल का आटा। बेसन को एशियन टाइम से, बहुत ही सालों साल से, बहुत ही पुराने टाइम से लोग यूज करते हैं। जब बात स्किन की आती है तो बेसन सभी को सूट करता है एंड बहुत ही फायदा देता है हमारी स्किन को। जब फेस पैक बनाने की बात आती है तो बेसन बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से फेस को टाइट करता है, फेस को ब्राइट करता है, बहुत ही बढ़िया वाला निखार लाता है एंड जितनी भी रफ स्किन होती है वो सभी को ये ठीक करने में हेल्प करता है। तो पहली मेथड का फेस पैक रेडी करने के लिए आपको 1 टेबलस्पून दही ले लेना है ग्लास बॉल के अंदर एंड उसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून बेसन। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड अपने फेस पे, नेक पे अच्छे से लगा लेना है, नेक पे भी लगा लेना है, ताकि दोनों फेस और नेक का कलर सेम हो। तो इसको आपको रहने देना है 10 से 15 मिनट ड्राई होने के लिए। हल्का हल्का सा ड्राई हो जाए उसके बाद आपको थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है फेस वॉश करने के लिए, ताकि अच्छे से आपके पोर्स क्लीन हो जाए। तो हल्के गुनगुने पानी से आपको फेस वॉश कर लेना है एंड आप देखोगे कि आपके फेस पे कितना बढ़िया वाला निखार आ जाएगा एंड बहुत ही अच्छा ग्लो भी आएगा। तो अब हम बना लेते हैं मेथड नंबर 2, दूसरा नेचुरल तरीका स्किन को ब्राइट बनाने का। तो उसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है पपाया। आपने देखा होगा कि जितने भी फेस ब्राइटनिंग कॉस्मेटिक्स आते हैं उसमें पपाया एक्सट्रैक्ट जरूर होता है, क्योंकि जब बात फेस ब्राइटनिंग की आती है तो पपाया सबसे बेस्ट होता है। पपाया के अंदर होता है एंटी ब्लेमिसी प्रॉपर्टीज, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे फेस पे जितनी भी ब्लेमिसी होती है वो ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं वो है लेमन। लेमन के अंदर होता है विटामिन सी एंड ये बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारी स्किन को ब्लीच करता है। तो ये हमारे स्किन टोन को बहुत ही लाइट कर देता है, जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं वो भी अच्छा कर देता है एंड फेस पे जितनी भी डलनेस होती है उन सबको ये हटा देता है। पपाया और लेमन मिलके बहुत ही बढ़िया वाला ब्लीच बनने वाला है। जो बेनिफिट आपको ब्लीच देता है वही बेनिफिट ये आपको देने वाला है। इसीलिए जब भी आपके दिमाग में आए कि आपको ब्लीच करना है तब ये वाली रेमेडी जरूर ट्राई करना, क्योंकि असली वाले ब्लीच में तो एमोनिया होता है जो हमारी स्किन के लिए काफी नुकसानदायक होता है एंड इसके अंदर कोई भी केमिकल और एमोनिया ये सारी चीजें नहीं है, नेचुरल ब्लीच है तो ये हमारी स्किन पे नुकसान नहीं करता है। तो जब भी आपको ब्लीच करना हो तो ये वाली रेमेडी जरूर ट्राई करना। तो अब बता देते हैं आपको ये रेमेडी कैसे रेडी करनी है। आपको पपाया की एक स्लाइस कट कर लेनी है, उसको मिक्सी ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना लेनी है एंड ये प्यूरी को आपको एक ग्लास बोल में ले लेना है। उसके अंदर आपको 2 से 3 ड्रॉप लेमन के ऐड कर देने हैं। प्रॉपरली बढ़िया ढंग से इसको मिक्स कर लीजिए एंड अपने फेस पे, नेक पे लगा लीजिए या फिर आप बॉडी पे कहीं पे भी लगा सकते हो, जहां भी आपको लगता है कि आपकी स्किन डार्क हो रही है उधर आप इसको अप्लाई कर लीजिए। 15 से 20 मिनट तक इसको रहने दीजिए, ये बिल्कुल आपके स्किन पे डार्क स्पॉट, डलनेस, पिगमेंटेशन ये सारी चीजें ठीक कर देगा।
15-20 मिनट होने के बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। ये आपको स्किन पे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाला है। अगर आपके स्किन पे टैनिंग हो गई है तो एक ही यूज में ये टैनिंग को हटा देगा। तो तीसरे नेचुरल मेथड है, उसके लिए हमें चाहिए 3 इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ऑरेंज पील, यानी कि ऑरेंज पाउडर। आप ऑरेंज पील जो आती है, ऑरेंज का छिलका आता है, उसको धूप में सुखाकर उसका मिक्सी ग्राइंडर में पाउडर बना सकते हो, या फिर बाजार में आजकल बहुत ही आसानी से अवेलेबल है ऑरेंज पाउडर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो पहला इंग्रेडिएंट हमें ले लेना है ऑरेंज पाउडर का। दूसरा इंग्रेडिएंट है टर्मरिक। टर्मरिक बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। जब बात आती है स्किन लाइटनिंग की, वो डार्क स्पॉट भी ठीक करने में हमारी हेल्प करती है। तीसरा इंग्रेडिएंट है हनी। हनी बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर करता है एंड बहुत ही सॉफ्ट सा बना देता है। तो रेमेडी बनाने के लिए हमें 1 टेबलस्पून ऑरेंज पाउडर ले लेना है, उसके अंदर आधी पिंच जितनी टर्मरिक ऐड करनी है। टर्मरिक ज्यादा ऐड नहीं करनी है, टर्मरिक को आधी पिंच जितना ही लेना है, वरना येल्लो येल्लो से स्टेन फेस पे आ जाता है। तो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में टर्मरिक ले लेनी है एंड इसके अंदर हमें 1-2 टेबलस्पून हनी ऐड कर देना है। आपको फेस पे की कंसिस्टेंसी देख लेनी है, ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला बना लेना ताकि आप आसानी से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सको। सारी तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड अपने फेस पे नेक पे लगा लीजिए एंड फिर 15-20 मिनट तक इसको ड्राई होने के लिए रहने दीजिए। 15-20 मिनट बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है एंड बहुत ही बढ़िया वाला ग्लो आपके फेस पे आ जाएगा। जितनी भी डलनेस आपकी स्किन पे होगी वो भी ये ठीक कर देगा एंड डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन पे भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो ये सारी नेचुरल रेमेडीज बहुत ही अच्छी है अगर आपको स्किन को ब्राइट करना हो, स्किन टोन को लाइट करना हो, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, ये सारी चीज़ों के लिए ये तीनों ही नेचुरल रेमेडी बहुत ही बढ़िया है। ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। एंड आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।